हेलो दोस्तों, मैं हूं मान्या और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि मैं 1.5 साल बाद फाइनली मेरे ब्रेसेस निकलने वाले हैं। और सच कहूं तो कहीं ना कहीं शायद मुझे जो है ये जो प्रोसीजर जो हुआ ब्रेसेस का, जो मेरा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ पूरे टीथ का, तो कहीं ना कहीं शायद मुझे अपनी जर्नी से शायद बहुत लगाव हो गया। क्योंकि सिर्फ एक जर्नी नहीं रही, मैंने बहुत ज्यादा, जब मुझे वो दिन आज भी याद है जब मैं ब्रेसेस के लिए गई थी और जब फर्स्ट टाइम मुझे लगा मेरे पूरे दांतों में ब्रेसेस लगने वाले, सिर्फ आगे के 6 दांत में लगे थे, फिर नेक्स्ट मंथ मेरे को जो है 4 दांत निकले थे। ओ भाई साहब, मुझे तो याद है कितना दर्द हुआ था वो टाइम पे। और उसके बाद फिर मेरे को जो है हर महीने जाना ब्रेसेस टाइटनिंग के लिए, वो प्रोसीजर बहुत ही ज्यादा मतलब रहता था कि हाँ ये हर महीने जाकर मतलब हर हफ्ते मतलब चेंज होना कि अब खाना फिर से बंद हो जाएगा, उससे पहले ही मतलब खा लेना। सच बताऊँ तो मतलब मुझे तो पता ही नहीं चला कि 1.5 साल कहाँ निकल गया। तो पता है मैंने कब ब्रेसेस लगवाए थे? मैंने ब्रेसेस लगाए 2021 में। मुझे याद है आज भी, जब मैं अगस्त में गई थी तब मेरे जो ब्रेसेस लगे नहीं थे अगस्त में, मेरे ब्रेसेस के जो है टीथ एक्सटेंशन की प्रोसीजर हुई थी पूरे महीने। हर वीक में जाती थी ब्रेसेस के लिए, फिर उसके बाद हर महीने के फर्स्ट संडे को मैं जाती थी अपने ब्रेसेस टाइटनिंग के लिए। मैंने कभी मिस नहीं करा अपने ब्रेसेस टाइटनिंग की प्रोसीजर, बट हर जगह एक्सेप्शन होता है। तो अभी क्या हुआ, मैं अभी मेरे एक नई प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, उसके बारे में बाद में बताऊंगी। खैर अभी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस चीज़ के बारे में बात करके। इसीलिए तो अभी मेरा, मैं जो बिजी हो गई थी तो मैंने अपनी ब्रेसेस टाइटनिंग की प्रोसीजर करने नहीं जा पाई, एक महीने वाला मैं मिस हो गया। और अभी क्या हुआ कि पिछले महीने तो मैं भूल ही गई थी कि मुझे ब्रेसेस टाइटनिंग के लिए जाना, रात के 10 बजे मुझे याद आएगा अरे यार आज मेरी ब्रेसेस टाइटनिंग तो रह गई, तब मेरा वो भी छूट गया। तो शायद मेरे 2 महीने पहले ही मेरे ब्रेसेस जो थे ये हटने वाले थे। फाइनली आज मैं जा रही हूँ अपने ब्रेसेस के लिए। और मैं इन जो टीथ थे जो पहले मैंने हमेशा टेढ़े मेढ़े देखे थे, जिनमें गम्स में हमेशा स्वेलिंग या ब्लीडिंग रहती थी मेरे, और मैं बहुत ज़्यादा मतलब शाई फील करती थी किसी के सामने हंसने में ज़्यादा, या वीडियोस में तो बिल्कुल नहीं पसंद करती थी मैं खुद को बोलते हुए देखना, मैं हमेशा बस चुप ही रहती थी। फोटोज़ वगैरह भी मैं नहीं क्लिक कराती थी हंस के, मतलब वो सारी चीज़ें फिक्स हो गई। तो अब मैं फाइनली मतलब खुद को देखूंगी ये ब्रेसेस निकलने के बाद। और ब्रेसेस लगने से पता है मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला, अभी मेरे जैसे कि मैं बातें करती हूँ मुझे कोई, अब मैं खुलकर हंसती हूँ, हालांकि मैं ब्रेसेस लग रहे हैं बट मुझे नहीं फर्क पड़ता कि हाँ मैं ब्रेसेस लग रहे हैं तो मैं खुल के नहीं हंसूंगी या थोड़ी शर्म लगी मेरे, जबकि मैंने मेटल ब्रेसेस लगवाए और ये साफ दिखते हैं मेरे चेहरे पे, बट मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मैं कैसी दिख रही हूँ इस टाइम, क्योंकि मैं खुश हूँ उस कर काम को करके। मुझे पता है ये जो ब्रेसेस लग रहे हैं ना मेरे जो लग रहे हैं ब्रेसेस, ये मुझे आगे जाके हेल्प करने वाले हैं, मेरी हंसी में मेरी खुशी में मेरे साथ देंगे, तो मैं खुश हूँ इनको लगवा के। और फाइनली जो आज दिन है मेरे ब्रेसेस वाला जो निकलने वाला है, ये जो चीज़ मैं फील कर रही हूँ ना वो सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके ब्रेसेस लगे हुए हैं। और जब उन आप लोगों का जब ये डे आएगा ना, जब आप ब्रेसेस निकलने वाले होंगे, जब आप इन सारी चीज़ों से मतलब गुजर के आओगे और फाइनली खुद की वो स्माइल देखोगे जो आप कब से देखना चाहते थे और जो आप चाहते थे कि हाँ होनी चाहिए ऐसी, तो वो उस टाइम पे आपको बहुत खुशी मिलेगी। जो मुझे मिल रही है ना वो आप उस टाइम पे याद करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ मानने का क्या मतलब था इस वाली बात का जब वो बोल रही थी। तो और लेकिन जाने से पहले मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, जब मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो बनाई थी गेटिंग माई ब्रेसेस ऑन, तभी मैं इसी जगह पर थी, सेम ही लोकेशन, सब कुछ बिल्कुल सेम, बस कपड़े चेंज थे मेरे और मेरे टीथ भी अलाइन नहीं थे। और मुझे मतलब वीडियो देखोगे आप जान जाओगे मैं कितनी नर्वस थी उस टाइम पर। और मैं आज मेरे ब्रेसेस निकलने वाले हैं और मेरी वीडियो बनी है गेटिंग माई ब्रेसेस ऑफ, तो भी मैं बिल्कुल सेम उसी लोकेशन पर आई हूँ। ये छोटी छोटी सी बातें मुझे मैटर करती हैं, मुझे खुशी मिलती है इन चीज़ों से। और शायद कहीं ना कहीं मुझे अपने ब्रेसेस से ही थोड़ा सा लगाव सा हो गया, थोड़ा लगेगा यार अब ब्रेसेस निकलने वाले हैं यार, मतलब हो जाता है यार छोटे मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो आपका साथ देती है ना किसी चीज़ में, तो उससे भी लगाव सा हो ही जाता है। तो मुझे है और मुझे आप सभी लोगों से बड़ा लगाव जिन्होंने मेरी वीडियोज़ को इतना ज़्यादा प्यार दिया है, इतना ज़्यादा मतलब आप लोगों के कमेंट से ही मेरी जो वीडियोज़ थी वर्थ इट थी। और अब मेरी जो जर्नी थी ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ अकेली नहीं हूँ जो ये ब्रेसेस वाला सीरीज जो चल रहा है, इतने सारे लोग मेरे साथ थे इस ब्रेसेस जर्नी में। ऐसा लगता है जैसे कि वी आर अ ग्रुप, जो हम सारे लोग मिलकर साथ ब्रेसेस निकलवाने जा रहे हैं, ब्रेसेस करवाने जा रहे हैं, सारे प्रोसीजर थी एंड वी विल ऑल डिस्कसिंग अबाउट दिस। तो वो बहुत मतलब मुझे बहुत मतलब ऐसा लगता है कि यार मतलब मैं अकेली नहीं हूँ जिसके ब्रेसेस अभी लगे हैं और मेरे साथ बहुत लोग हैं। तो बाकी की बात हम बाद में करेंगे, अभी चलते हैं जल्दी से अपना ब्रेसेस निकलवाने। चलो ओ माई गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे तार हट चुके हैं दांतों से यार। अब कोई टेंशन नहीं लग रही दांत साफ करने की। ओ माई गॉड।
कितना इजीली मुंह बंद हो रहा है। लेकिन अभी इससे पहले मैं आप लोगों को अपने दांत दिखा देती हूँ। वो जब मेरे दांत बिल्कुल टेढ़े मेढ़े थे तब मुझे ये दांतों का जो मुझे स्ट्रक्चर मिला था, पहले मैं आप लोगों को वो दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह का था ये, जो मेरे नीचे के जो दांत थे ये यहाँ से ये टेढ़ा था, ये अंदर घुसा हुआ था पूरा, और ये बस आगे के सीधे थे, और ये जो बिल्कुल बाहर निकला हुआ था ये वाला, और ये तो बिल्कुल इसमें मतलब काफ़ी ब्लीडिंग होती थी इस वाले टीथ में, और ये मेरे आगे के दो दांत कितने बड़े लग रहे हैं और अब कितने छोटे लग रहे हैं ये दांत इसके हिसाब से। उस टाइम पे ये मतलब ये मुझे इतने बड़े लगते थे, और ये वाला दांत थोड़ा सा बड़ा था इस वाले से, मतलब ज़्यादा लंबा निकला हुआ था, और ये मेरा अंदर है और ये इसके पीछे आ रहा है हल्का सा, अगर नोटिस करोगे ना तो पता चलेगा। पहले मेरे ऊपर वाले दांत जो थे ये ऐसे लगते थे देखो, और नीचे वाले जो है ये ऐसे थे। अब इमेजिन करो मेरी स्माइली वाली यार कितना अच्छा लग रहा है पता है ये, मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है। एक तो मुझे बड़ा हल्का लग रहा है अपने मतलब फेस में, जैसे एक थोड़ा सा एक वो रहता है ना दांतों पे कुछ लगा हुआ है वाला जो, तो ऐसा लग रहा है ऐसे कि अब दांत नहीं है क्या, ऐसा मतलब बड़ा खाली खाली सा लग रहा है, क्योंकि अब मुंह बिल्कुल ईजिली बंद हो रहा है और दांत बाहर निकले हुए, तो जैसे मुंह बंद करते हैं ब्रेस लगाने के बाद तो थोड़ा सा ना ये जो अपर लिप्स वाला जो पोर्शन थोड़ा सा बाहर निकला होता है, लगता है जैसे उठा हुआ वो थोड़ा सा होता है ना ये, तो मेरा जो है मतलब वो अब मुझे लग नहीं रहा है कुछ भी। इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है, और जो जो है मेरा ये थोड़ा जॉ लाइन है उसमें भी थोड़ा सा चेंज लग रहा है मुझे, क्योंकि मुझे पहले से अब अच्छा लग रहा है क्योंकि अब बिल्कुल अलाइन हो गए हैं। पहले ये हल्का सा ये टेढ़े मेढ़े थे, ये सारे टीथ मेरे कितने अलाइन हो गए हैं। ओ माय गॉड, कुछ टाइम पहले तक मैं आप लोगों को अपने टेढ़े मेढ़े दांत दिखाया करती थी कि देखो ये कितना चेंज आ रहा है, और अब मेरे ब्रेसेस निकल चुके हैं और मैं आपको उसका वीडियो दिखा रही हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा सच में यार। वैसे इस वीडियो में आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरे दोनों साइड के ब्रेसेस जो हैं वो एक साथ निकाल दिए गए थे, बट ऐसा नहीं हुआ था। पहले मैं डेंटिस्ट के जब गई थी तो उन्होंने मेरे नीचे लोअर टीथ के जो ब्रेसेस थे पहले वो निकाले थे, और दोबारा जब मैं गई थी नेक्स्ट मंथ तब उन्होंने मुझे अब मेरे जो अपर जो वाले जो थे ब्रेसेस ये निकाले थे। लेकिन मैं जो है दोनों टाइम का अलग अलग प्रोसीजर दिखा के वो ज़्यादा टाइम आप लोगों को वेस्ट करना नहीं चाहती थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पूरा प्रोसीजर एक साथ ही आप लोगों को दिखाऊं। तो कुछ लोग होते हैं, मैंने ज़्यादा लोगों का यही देखा है कि उनका तो एक साथ ही सारा का सारा ब्रेसेस उतर जाता है और वो पूरा अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं, लेकिन मेरे प्रोसीजर में ऐसा नहीं हुआ। पहले मेरे लोअर टीथ के जो ब्रेसेस थे पहले मेरे वो हटे थे, उसके बाद मेरे अपर जो के ब्रेसेस हटे थे। मैं जब डेंटिस्ट गई थी तो मेरे पास एक लड़का बैठा हुआ था, तो उसने मुझे बोला कि आपको पता है ब्रेसेस हटने के बाद मतलब दांत हिलने लग जाते हैं, तो मुझे डेंटिस्ट के सामने उसने ऐसी बात बोली और मुझे थोड़ी टेंशन सी हो गई, तो मैंने उनसे तुरंत पूछा कि मतलब ऐसा होता है क्या दांत मतलब हिलने लग जाते हैं अगर मतलब हम ब्रेसेस निकलने के बाद, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, किसी की बातों मत आया करिए, पहली बात तो आप जो हम यहाँ बैठे हैं जो भी चीज़ होगी हम देखेंगे, आप टेंशन मत लो। तो मैंने कहा मैं खुद मतलब वेट कर रही थी, पता नहीं कैसे हुआ क्या प्रोसीजर होने वाला, मुझे खुद भी नहीं पता था, और ज़्यादा मेरे डेंटिस्ट ने मुझे कुछ बताते भी नहीं थे, ज़्यादा पूछने पर भी बोलते थे कि ज़्यादा सवाल जवाब मत करो हम देख रहे हैं, ये सारा काम हमारे ऊपर, आप टेंशन मत लो। तो मैंने कहा ठीक है। अब भाई जब प्रोसीजर आया तो लिटरली मेरे दांत जब उन्होंने ब्रेसेस निकाले तो मेरे दांत थोड़े थोड़े हिल रहे थे, और जब मेरे ऊपर वाले टीथ निकाले तब भी दांत आगे के जो छह दांत है ना ये थोड़े थोड़े हिल रहे थे, तो उसी के लिए उन्होंने ये दांत में जो है रिटेनर लगाए हुए हैं आगे के जो मेरे सिक्स टीथ हैं उसमें, और ऊपर भी लग रहा है यहाँ पर, मतलब मेरे अभी रिटेनर लगा हुआ है और वो मेटल का वायर है जो आगे के सिक्स टीथ में लगा हुआ है ऐसे पीछे की साइड, ये मेरा अभी एक एक साल और रहेगा, तो मतलब पूरा प्रोसेस वही ढाई साल का सा हो जाएगा, क्योंकि डेढ़ साल तो मेरे ब्रेसेस लगे रहे, और सारे जितने भी वहाँ लोग आए थे पता है सबसे जल्दी मेरा ब्रेसेस प्रोसीजर हुआ है, छोटे बच्चों से भी पहले मतलब मेरा हो गया, मैं तो खुद ज़्यादा शॉक्ड हूँ। और लेकिन यार इतना वर्थ इट रहा ना मेरा ये सारा प्रोसीजर सीरियसली, मतलब टीथ मुझे याद है मेरे को कितना पेन हुआ था जब मेरे टीथ एक्सट्रैक्ट हुआ था, मेरे को बहुत हुआ था और मुझे बहुत डर भी लगा था, क्योंकि मैंने अपने घर वालों से मतलब लड़के ही डिसीजन लिया था कि नहीं मुझे करवाना ही है करवाना ही है, तो वो सारा डिसीजन मेरा था, और छोटी सी गलती भी कुछ हो जाती ना फिर तो सब के सब मेरे ऊपर चढ़ जाते, तो ये सोच के तो मुझे और बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो गई थी कि यार कहीं मैंने कुछ गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। लेकिन आज जब मैं खुद को ऐसे हंसते हुए देख रही हूँ इतना मतलब मुझे पता है जब मैंने पूरा पेन झेल लिया पूरा प्रोसीजर झेल लिया उसका, उसके बाद जो मेरे चेहरे पर जो स्माइल है जिससे मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील कर रही हूँ, मतलब इतने सारे जो फोटोज़ मैं क्लिक कराती हूँ, वैसे मेरे को फोटोज़ का इतना वो नहीं था मेनली, जो था कि मतलब फोटोज़ का नहीं था मेरे को, था मैं हंसना चाहती थी हमेशा से बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत हंसती हूँ,
और जब मैं हंसती हूँ तो मुझे, मैं ये नहीं चाहती कि मैं हंसते हंसते अपने मुँह पे ऐसे हाथ रखूँ, या मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसा अजीब लगे कि मेरे दांत सही नहीं लग रहे हंसते हुए तो मैं मुँह पे हाथ रख रही हूँ। एक होता है ना, एक कहते हैं कि एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू लव माई सेल्फ। और मुझे लगता है कि हाँ, जो चीज़ मैं बदल सकती हूँ और जो बदलाव मैं ला सकती हूँ, जो मेरे अंदर आ सकते हैं, तो मैं क्यों उससे स्ट्रगल करूँ हर बार। बट अब मेरे को लगवाने के बाद मुझे इतना मतलब अच्छा लग रहा है ना ब्रेसेस। अब मैं, आप लोग बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कैसी लग रही हूँ हंसते हुए। ओके और अभी ना जो मैंने, अभी मैं बहुत टाइम बाद ही वीडियो बना रही हूँ, मुझे पता है ब्रेसेस की, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा था। अभी मैं एक अभी ट्रिप पे गई थी मैं बनारस में, और वहाँ मैंने ऐसे मुस्कुरा के ऐसे हंस हंस के फोटोज़ क्लिक कराए, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना कॉन्फिडेंस फील कर रही थी मैं, मतलब बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगा यार ये मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया ब्रेसेस लगवाने का। और मेरा जो, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कमेंट बॉक्स में, बहुत टाइम से पूछ रहे हैं कि आपने किस डेंटिस्ट पे करवाया। तो जो मेरे डेंट, मैंने वैसे अलीगढ़ में प्रोसीजर कराया था अपने ब्रेसेस का, बट जो मेरे डेंटिस्ट हैं वो दिल्ली के हैं, वो अलीगढ़ संडे से संडे आया करते थे। तो मैं आप लोगों को अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका एड्रेस दे दूंगी दिल्ली वाला, तो जिनको भी उनसे करवाना हो वहाँ जा सकते हैं। हाँ, मुझे थोड़ी सी शिकायत है मेरे अभी भी, कि मुझे लगता है कि अभी ये प्रोसीजर होने के बाद थोड़ा सा भी है, अगर आप नोटिस करोगे ना तो ये वाला जो टीथ है, ये आई हल्का सा, ये जो टीथ है अभी कंप्लीट वाला ऐसे अलाइन नहीं लग रहा मुझे इनके तरह, जैसे ये वाला है ना, ऐसे अलाइन नहीं लग रहा मुझे, ये सारे तो हैं ठीक, बट फिर भी मुझे लगता है कि हाँ जितना मतलब हो सकता था ठीक, सारा कुछ ठीक रहा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे जो टीथ हैं वो अब अच्छे लग रहे हैं, या फिर मेरा चेहरा पहले ज़्यादा अच्छा लगता था आप लोगों को। बट मेरा ये मानना है कि मुझे अलाइन मुझे अब अच्छे लगते हैं, क्योंकि मेरे जो आगे के जो टीथ हैं ना, ये तो ये थोड़े से बड़े हैं नॉर्मल साइज से, तो मेरे को जैसे वो बाहर थोड़ा सा निकले रहते थे, तो थोड़ा सा मुझे लगता था कि हाँ यार चूहे जैसे दांत लग रहे हैं मेरे। और इसके पीछे की स्टोरी भी है, जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी ने कहा था कि इसको ना तो डस्टबिन में डालोगे तो मतलब चूहे जैसे आएंगे। तो मैंने अपने बचपन में अपने दो आगे के दांत ना डस्टबिन में डाले थे, और पता नहीं कैसे या जो भी है, मेरे लिटरली दांत चूहे जैसे आ गए। तो ये मेरे दांत, लेकिन अब मेरी जब से मतलब मेरे वो लगे हैं, ब्रेसेस लगे हैं जब से, तभी अब छोटे छोटे लग रहे हैं। देखो नोटिस करोगे आप लोग, अभी छोटे से छोटे लगेंगे। और बहुत सारे लोगों के मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत वीडियोस के कंटिन्यूस वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे ब्रेसेस लगवाने से पहले, उनके मन में जो बहुत ज़्यादा सवाल थे। लिटरली मैंने इतना ज़्यादा नहीं सोचा था अपने प्रोसीजर करवाने से पहले कि ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा। मुझे अगर सबसे बड़ा जो रिग्रेट अगर है ब्रेसेस लगने के बाद, मैं नमकीन खाती थी या मैंने मूँगफली वगैरह भी खा लेती थी, जो कि नहीं खानी चाहिए थी शायद, तो उससे मेरे टीथ में जो है एक होल हो गया था, दोनों साइड ऊपर और नीचे दोनों साइड के टीथ थे उसमें, तो मुझे फिलिंग करानी पड़ी। तो ये बहुत ही मतलब बुरा लगा मुझे कि यार मैंने अपने दो टीथ ख़राब कर लिए। तो ये इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, सॉफ्ट फूड ही खाना चाहिए। तो वो मेरी जो है वो था कि क्योंकि हम थोड़े से ना बहुत टाइम हो जाता है ना, जब ब्रेसेस लगवाते लगवाने के बाद ब्रेसेस टाइटनिंग को भी थोड़ा सा हम भी कैजुअल लेना शुरू कर देते हैं कि हाँ कोई थोड़ा सा तो चलता है खा लेते हैं, बट हाँ नहीं खाना चाहिए शायद, ये सही चीज़ नहीं है, क्योंकि ये टीथ बहुत ज़रूरी है हमारे चेहरे के लिए, नहीं हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी जो बहुत सारे जो क्वेश्चन मुझसे लोगों ने पूछे हैं, तो उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत लिटरली मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसके सारे जवाब जो है मैंने अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से कंसल्ट किए, तो उन्होंने मुझे कुछ के आंसर्स दिए हैं और कुछ के नहीं भी दिए, बट वो मैंने खुद से जो एक्सपीरियंस किया वो उसके थ्रू मुझे लगता है कि मैं आपको आंसर कर सकती हूँ। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ सारी चीज़ें मैं आप लोगों को। और अभी जो है मेरी जो ब्रेसेस की जो बिफोर और आफ्टर वाली वीडियो भी आएगी, कि पहले मेरे टीथ कैसे थे और अब कैसे हैं, तो वो मैं नेक्स्ट व्लॉग बताऊंगी। तो अभी मेरे ब्रेसेस का जो पूरी जर्नी है वो कंप्लीट हो चुकी है, और मेरी स्माइल अच्छी हो चुकी है। तो मुझे खुद मतलब खुद में अच्छा लग रहा है, मुझे खुद में बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा बहुत नहीं। और मेरे घर के लोग मुझे काफ़ी मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज़ को, कि यार तेरे दांत कितने अच्छे हो गए हैं, जो मुझे मतलब मना कर रहे थे कि ना मतलब ब्रेसेस भी, तो वो मुझे ऐसा बोल रहा है यार तुम तो बिल्कुल ठीक दांत कर लिए अपने, कैसे कर लिए यार इतने अच्छे, तेरे तो जॉ लाइन मतलब काफ़ी अच्छी हो गई पहले से, मतलब यहाँ पर जो शेप थी थोड़ी सी मेरी सही नहीं थी थोड़ा सा, तो वो भी सही हो गई। तो मुझे सब मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि तेरे दांत बहुत अच्छे हो गए हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ अब। चलो, तो आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और व्लॉग आने में लिटरली मैंने बहुत ज़्यादा देर कर दी, मुझे बहुत महीने हो चुके हैं जब तक मैंने ये व्लॉग नहीं बनाया, कोई भी अपडेट नहीं दिया ब्रेसेस का, उसके लिए कान पकड़ के सॉरी।
चलो आप लोग अपना ख्याल रखना, और आप लोग भी मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों का ब्रेसिस की कौन सी प्रोसीजर चल रही है, और आप लोगों का मतलब क्या प्रोसीजर चल रहा है अभी। ठीक है, ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।